मैं तुम्हें बता रहा हूं, पवित्र आत्मा सामर्थ्य है। सच में पवित्र आत्मा अद्भुत है, यीशु अद्भुत है, प्रभु का हाथ सामर्थ्य है, सब कुछ कर सकता है। फांसी की सजा हो चुकी थी, मरने ही वाला था, कोई भी उम्मीद नहीं थी बचने की, असंभव था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। यह गवाही अंत तक देखिए, आपका विश्वास मजबूत होगा। साथ में इस वीडियो को उन लोगों तक भेजिए जो तकलीफों में है, बीमारियों में है, परेशानियों में है, और उन्हें यह जानने दीजिए कि यीशु मसीह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वह सब कुछ कर सकता है। इस गवाही को अंत तक देखिए और शेयर करके अपनी ब्लेसिंग्स पाइए, क्योंकि जब दूसरों के विश्वास को आप बढ़ाएंगे, प्रभु आपको निश्चित प्रतिफल देगा। क्या मैं आप लोगों से एक अद्भुत गवाही कह सकता हूं? मैं कांगो में था, अफ्रीका में, और वहां पर एक बड़ा क्रूसेड होने वाला था। मैं उस क्रूसेड को लेने गया था और वहां के मेरे इंचार्ज ने मुझसे कहा कि मैं आपको पूरा शहर घुमाऊंगा। उसने सब कुछ तैयार किया था और हम पहुंचे एक जेल के सामने और उसने मुझसे कहा एक जेल है और यहां पर मैं कई बार आकर प्रचार करता हूं और बहुत सारे कैदी बचाए जाते हैं, क्या आप प्रचार करना चाहेंगे? मैंने कहा हां, मैं जरूर करूंगा। वो मुझे वहां ले गया और जब मैं वहां गया, जेल के भीतर मुझे लगा कि कोई पुराने जमाने की जगह पर मैं पहुंच गया हूं। और मैंने देखा लोग मोटे मोटे जंजीरों से बांधे गए थे, बहुत ज्यादा मोटे जंजीरों से वो ऐसे बंधे हुए थे, उनके हाथ और पैर, और वो धीरे धीरे चल रहे थे। मैं नहीं जानता कि वो कितने थे, लेकिन लगभग वो 50 थे। मैंने कहा कि अपने साथी से कहा कि ये कौन है ये लोग? उसने कहा कि ये लोग मौत की सजा पाए हुए लोग हैं और ये लोग कुछ ही दिनों में फांसी की सजा पाने वाले हैं और बस इंतजार कर रहे हैं अपनी मौत का। और अचानक वो गीत गाने लगे और उनमें से एक जो है उन लोगों का अगुआ था जो अपने जंजीरों को बजाकर अच्छे से गीत गा रहा था। और अफ्रीका के लोग, वाद्य यंत्रों की दरकार नहीं होती उन्हें, आप उनको देखेंगे जो भी उनके पास है उनका उपयोग करके वो गीत गाने लगते हैं। और वह आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, ऐसा कहकर जंजीरों को ही बजाकर गीत गाने लगा। और मैंने देखा कि मैं वहां खड़ा था और मैं देख रहा था कि सारे कैदी गीत गा रहे हैं और अचानक पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि रेनहार्ड, देखो मेरे बेटे, वह जो एक अगुआ है जो गीत गा रहा है, वो जो चेन में बंधा हुआ है, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, मैं चाहता हूं तुम मुझसे कहो कि वो आजाद होगा और वह मेरे वचन का प्रचार करेगा। मैंने कहा पवित्र आत्मा से, प्रभु क्या आप एक बार और कह सकते हैं, क्योंकि यह बहुत गंभीर बात है और कृपया धीमे कहें, कुछ मैं समझ नहीं पा रहा हूं, प्लीज मुझे बताएं। पवित्र आत्मा ने कहा इस व्यक्ति से कहो कि यह छोड़ दिया जाएगा, आजाद होगा और यह सुसमाचार का प्रचार करेगा। और मैंने बहुत सारे कैदियों के लिए प्रार्थना की, लेकिन मैंने उस सॉन्ग लीडर को बुलाया और अपने साथी से कहा कि एक अनुवादक के साथ उसे मेरे पास बुलाया जाए। वो आया और मैंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम रिचर्ड है। मैंने कहा रिचर्ड, प्रभु ने मुझसे कहा है तुम्हारे बारे में कुछ, लेकिन मैं पहले जानना चाहता हूं कि तुम यहां पर क्यों हो, इस जेल में तुम क्यों हो? उसने कहा क्योंकि मैंने मर्डर किया है, मैंने हत्या की है, अपने बचाव में मैंने हमला किया था और गलती से वो मारा गया। मैंने कहा अगर ऐसा है तो तुम हत्यारे नहीं हो, तुमने शायद अपनी सेफ डिफेंस में हत्या की थी, तुमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा है तुम्हारे बारे में, प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम आजाद होगे और तुम सुसमाचार का प्रचार करोगे। उसने कुछ नहीं कहा और वह मुड़ गया
और दीवार की उस तरफ देखने लगा। दीवार के उस तरफ एक बड़ा सा पेड़ था और जिसे फांसी लटकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और वह मुड़कर आंसुओं के साथ मुझसे कहने लगा, महीने में एक बार जल्लाद आता है और वह उस पेड़ के पास खड़ा होता है, हम लाइन में खड़े हो जाएंगे और जल्लाद गर्दन पर रस्सी डालता है और ऊपर की ओर खींचने लगता है और जैसे ही व्यक्ति के प्राण छूट जाते हैं वह कुल्हाड़ी से कैदी के हाथ पैर काटता है ताकि चेन निकाल सके। मैं वहां खड़ा था कुछ दिन पहले 3 बार, लेकिन तीनों बार जब भी मेरी बारी आती थी वह जल्लाद कहता था मैं थक गया, आज मैं और नहीं कर सकता। मैंने उससे कहा, यीशु ने तुम्हें बचा कर रखा है, यीशु ने तुम्हें बचा कर रखा है। मैं उस जेल को छोड़कर गया और मैंने प्रार्थना की, जाकर कमरे में मैंने प्रभु से प्रार्थना की। क्रूसेड बहुत अद्भुत रहा, सारा क्षेत्र परमेश्वर की सामर्थ से हिल गया था, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट हुए वहां पर। लेकिन जब मैं आखिरी दिन वहां ठहरा हुआ था मैंने अपने साथी को फोन किया और मैंने कहा कि मैं इस स्थान के गवर्नर से मिलना चाहता हूं। मेरे यहां से जाने से पहले मैं गवर्नर से मिलना चाहता हूं। उसने अपॉइंटमेंट लिया, मैं वहां पहुंचा और जब मैं वहां पहुंचा तो गवर्नर के अधिकारियों ने कहा, गवर्नर आज नहीं है लेकिन आप उसकी पत्नी से बात कर सकते हैं, आप जो संदेश देना चाहते हैं वो उन तक पहुंचा देगी। मैंने कहा ठीक है, और वो आई मैडम। मैंने उनसे कहा, मैं जेल में था मैडम और यीशु मसीह ने मुझसे कहा है कि रिचर्ड नाम का एक आदमी है और वह आजाद होगा और वह मरेगा नहीं क्योंकि वह यीशु मसीह के वचनों का प्रचार करेगा। उसने कहा कि नहीं, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, मैं ऐसा नहीं जानती, लेकिन मेरा पति ऐसा उसने आज तक नहीं बताया मुझे, लेकिन मैं उसे जरूर बताऊंगी। उसने सबको बाहर कर दिया और वो मेरे पास अकेले आई और उसने मुझसे कहा, अगर आप मेरे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर पाए ताकि वो अमेरिका में पढ़ें तो शायद हम सोच सकते हैं इस बारे में। मैंने कहा, देखिए बहन, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक प्रचारक हूं और मैं किसी भी तरह की रिश्वत नहीं दे सकता आपको। मैं यहां प्रभु यीशु मसीह के वचन बताने के लिए, आपके पति को यह बताने के लिए आया हूं कि यीशु ने मुझसे कहा है कि यह व्यक्ति है रिचर्ड नाम का, जो कि आजाद होना है, उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रभु ने कहा है। और वह बहुत गुस्सा हो गई, क्रोध से भरकर वह आगे बढ़ गई और जब वह दरवाजे के पास पहुंची तो वो मुड़कर मुझे देखने लगी और मैंने कहा, मैडम प्रभु यीशु ने कहा है, भूलिए नहीं, रिचर्ड आजाद होगा और वह मरेगा नहीं, वह सुसमाचार का प्रचार करेगा। मेरा हृदय रुक गया थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा, प्रभु तुझे काम करना होगा। मैं अपने घर की ओर वापस चला गया। कुछ महीनों के बाद मेरे पास एक फोन आया और उस फोन में मुझसे कहा जा रहा था, रिचर्ड आजाद हो चुका है, वह जेल से छोड़ा जा चुका है। हालेलुया। और रिचर्ड ने कहा कि वो बाइबल कॉलेज जाना चाहता है प्रभु के वचनों का अध्ययन करने के लिए। मैंने कहा कि मैं उसका खर्चा उठाऊंगा। वो 4 साल बाइबल कॉलेज में पढ़ा और कुछ सालों के बाद जब मैं वापस आया उस जगह पर, जब वहां पर मैं लिया, मैंने 30 लाख से ज्यादा लोगों को प्रचार किया, तब वहां पर प्रभु के एक दास आया और उन्होंने मुझसे कहा कि रेनहार्ट, मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए।
मैं सीढ़ियों से नीचे आकर देखने लगा, बहुत सारे लोग वहां खड़े हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और एक अफ्रीकन पास्टर वहां खड़ा हुआ है। और जब उस अफ्रीकन पास्टर ने मुझे देखा, वह दौड़कर आने लगा और अपने बगल में बाइबल को थामे हुए था, और वह मेरे पैरों पे गिर के मुझसे लिपट कर कहने लगा और मेरे जूतों को चूमकर कहने लगा और रोने लगा, प्रभु के दास, आपने मेरा जीवन बचाया, आपने मेरा जीवन बचाया। मैंने कहा, कौन हो तुम? मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने एक कैदी को देखा था, एक आजाद व्यक्ति को नहीं। मैंने उसे उठाया और मैंने उसकी आंखों में देखा। मैंने कहा, रिचर्ड, तुम मैं तुम्हें बता रहा हूं, पवित्र आत्मा सामर्थी है, सच में पवित्र आत्मा अद्भुत है, यीशु अद्भुत है, प्रभु का हाथ सामर्थी है, सब कुछ कर सकता है। वो जो कहेगा वह करेगा, क्योंकि वह झूठा नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस गवाही को शेयर कीजिए, ताकि यीशु मसीह की सामर्थ्य लोगों तक पहुंच सके और बहुत तेरे उद्धार में।